ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਵੇ ਬਚਦਾ ਨੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਨ ਵੇ ਤੂੰ ਰਾਤੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਨ ਵੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵੇ ਤੇਰਾ ਗੋਰਾ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਚੰਨ ਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਚੰਨ ਵੇ ਬਸ ਬਜਣਾ ਚਾਹੀਏ ਗਾਣਾ ਐਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸਰ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਆਪ ਗਾਣਾ ਆਪ ਕੋ ਕੈਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ बतौर एक आर्टिस्ट तो मतलब ये वो एक कहते हैं कि जब आदमी को भगवान से बचपन से मांगने की आदत होती है तो हम काफ़ी टाइम से भगवान से मांग रहे थे कि आपने सब कुछ दिया लेकिन आर्टिस्ट को एक पावर नहीं दी एक अपना म्यूज़िक डायरेक्ट एक लिसनर तक पहुंचाने की क्षमता नहीं दी शक्ति नहीं दी और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा म्यूज़िक कौन सुन रहा है जब कहीं कहीं पार्टी में सुनाई देता था अच्छा गाना वहाँ तक पहुँच गया तो और कोई भी हम लोग बहुत बुरी तरह पायरेसी हमें बहुत बुरी तरीके से हमारी बैकबोन तोड़ी हुई है हमारे देश की म्यूज़िक की जितना पैसा हम लोग को कमाना चाहिए हम जो म्यूज़िक बनाते हैं और जो हमारे इतने लेजेंड्स आके चले गए जितना वो कर गए उनको उसका कुछ मिला ही नहीं बहुत सारे ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे जो बाद में अपने एंड समय पर उनको मतलब शमशान तक ले जाने तक के पैसे नहीं थे क्यों उन्होंने इतना एंटरटेन किया है पूरी दुनिया को एक एक घर में एंटरटेनमेंट हुई है उसको उनका उसका पैसा उनको मिलना चाहिए था तो ये जो गाना ने किया है और ये जो स्ट्रीमिंग साइट आई है ये इसने हम लोगों की जिंदगियां फ्यूचर हमारे बच्चों का सबका एक सफ़र स्ट्रॉन्ग कर दिया है क्योंकि अब हमें पता रहेगा कि हमारे गाने कितने लोग सुन रहे हैं और उसका कितना पैसा आ रहा है और कहाँ तक हमारा गाना जा रहा है और जैसा इन्होंने कहा कि 10 मिलियन सुन रहे हैं तो 125 मिलियन तो हमारे लोग हैं जिसमें से 50 मिलियन तो सुनते होंगे गाने तो अभी भी 40 मिलियन कौन है कहाँ सुन रहे हैं पता नहीं चल रहा अभी वो सब आ जाएंगे रेडार में क्योंकि अभी सबको यहाँ आना पड़ेगा सो इट इज़ ग्रेट न्यूज़ फॉर अस एंड नॉट जस्ट दैट इट्स ग्रेट न्यूज़ फॉर आर्टिस्ट एंड जैसे सोनी के जय माता जी आए हुए हैं यहाँ पे तो लेबल्स के लिए भी ग्रेट न्यूज़ है बिकॉज इवेंचुअली देर द वंस यू नीड टू मेक मनी बिकॉज ये लोग पैसा लगाते हैं आर्टिस्टों के ऊपर सो कॉम्बिनेशन में आई थिंक वी दैट्स वाई वी आर ऑल हेयर बिकॉज वी हैव टू थैंक दीज गाइज इनकी वजह से आज 100 मिलियन तक गाना तो पहुँचेगा मेरा मुझे पता है कि बेबी डॉल हो सकता है आज तक टोटल 2000 मिलियन लोगों ने सुन लिया होगा लेकिन कोई खबर ही नहीं है उसकी हमें तो जो 7 लाख रुपए मिले थे आज तक वही मिले उसके ऊपर कुछ मिला ही नहीं है तो तो कहने का मतलब ये कि इट्स ग्रेट न्यूज़ एंड कि गाना के 100 मिलियन हो गए हैं और इतनी जल्दी इन्होंने किया है एंड ये आर्टिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं तो सारे आर्टिस्ट बहुत खुश हैं कि ऐसी कंपनी आई है जो आगे आके हमारा म्यूज़िक को आगे प्रमोट करेगी बिकॉज हमें चाहिए प्रमोशन यार हम लोग म्यूज़िक क्रिएट करते हैं हमारे कोई हमें पूछता नहीं है नंबर्स का कितना प्रेशर रहता है कि ये गाना इतने मिलियन तो हिट करना चाहिए और ट्रेंडिंग पे आना चाहिए उस तरीके का किस तरीके से आप देखते हैं कोई प्रेशर नहीं है यार हमें तो जब बाद में पता चलता है ये बताते हैं 45 मिलियन स्ट्रीमिंग हो गई तो हमें कैसे हो गई यार तो हमने मुझे कैसे पता ना चला जो गाना बनाया था वो बाई चांस स्टूडियो आए हुए थे चिलेंगे उन्होंने सुन लिया ना कि गाना करना है मैंने कहा तो पिक्चर के लिए बनाया हमने बोले नहीं नहीं ये तो सिंगल है मैंने सिंगल है ही नहीं है पिक्चर के लिए उन्होंने नहीं नहीं आप तो बनाओ ना करो तो दे दो मुझे डाल देते हैं तो हमने ऐसे बना के उस पर टिकटॉक के दो बच्चे उठाए उनको वीडियो उठा के डाल बना के डाल दिया उस पर उसमें 2 रुपये भी नहीं डाले हैं एडवर्ड में हमने 100 मिलियन पहुँच रहा है वो और यहाँ पे 45 मिलियन हो गया सो ये पावर है टेक्नोलॉजी की कि आपका जो म्यूज़िक है वो ऐसे ग्रो करता है सो दिस इज़ हाउ इट्स वर्किंग नाउ सुनंदा विल कम टू यू एक फाइनल क्वेश्चन टिकटॉक बैन हो गया जैसे हमने टिकटॉक की बात करी तो आप उसको कैसे देखते हो पूरे बैन को जिस तरीके से क्योंकि बहुत आर्टिस्ट ऐसे थे यार मेरे बड़े टिकटॉक वाले बड़े दोस्त हैं यार बेचारे बड़े दुखी हैं यार मेरे से उनका दुख देखा नहीं जा रहा मुझसे पर देखिए गवर्नमेंट कोई चीज़ बैन करती है उसका कोई रीज़न होता है तो जो उसमें जो गलत तरीके की जो चीज़ें उसमें आ रही थी वो एग्जैक्टली तो उसके लिए गवर्नमेंट मतलब फॉर्मुलेट करती है पॉलिसीज़ वगैरह उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते हम तो सिर्फ वो जो हमारे दोस्त हैं बेचारे जो दुखी हैं उनके बारे में बोल सकते हैं वो बेचारे बड़े दुखी हैं सुनंदा आपसे जानना चाहेंगे आपने बोला कि कॉन्फ्रेंस में कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक को आपने चूज़ किया तो आप कैसे इस प्लेटफॉर्म को पूरे देखते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप्स हैं या प्लेटफॉर्म है उसको ओवरऑल यू नो द थिंग इज़ कि जैसे इन्होंने बोला है कि पता ही नहीं चलता था लोगों को मुझे ना अभी किसी ने पूछा कि 5 साल पहले आप कैसे देखते हो 5 साल बाद मैंने कहा 5 साल तो मुझे खुद को भी हुए ही नहीं आए को हाँ मैं तो अभी तो मुझे हुए दो साल है 2.5 साल है तो द थिंग इज़ कि ज़्यादा जैसे गाना ने जितना भी हम आर्टिस्ट है जो उनको जितनी प्रमोशन मिल रही है लाइक घर घर तक गाना पहुंच रहा है एक हर एक बच्चा लाइक डाउनलोड कर रहा है ऐप को हर जगह पे हमारा गाना जा रहा है तो मेरे लिए तो मैं तो कहूँगी कि बहुत अच्छा है फाइनली वी वांट टू एंड दिस इफ यू कैन सिंग टू लाइंस मी देन
please sing. आप both of you. No, no, मैं तो गाना. It's an opportunity. मैं इनका बहुत बड़ा fan हूँ. She knows it. I really like her, and she's one of the most amazing performers. So please, आप गाओ आज तो मैं सुनना चाहता हूँ. Anything, just sing any one song. ओवे जब पता लगा मेरे dad नू ਵੇਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਵੇ ਬਚਦਾ ਨੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਨ ਵੇ ਤੂੰ ਰਾਤੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਨ ਵੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵੇ ਤੇਰਾ ਗੋਰਾ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਚੰਨ ਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਚੰਨ ਵੇ ਬਸ ਬਜਣਾ ਚਾਹੀਏ ਗਾਣਾ।